अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बेटा सेकेंड ईयर का एक्सरसाइज 3.1 है वो हम करने लगे हैं, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि डी वाई और डेल वाई निकालें, डिफरेंशियल और चेंज निकालें। जब हमें फंक्शन हमें दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसमें हमें उसने कहा कि x चेंजेस फ्रॉम 3 to 3.02 है। अब इसमें x 3 है जो चेंजिंग है, जो उसने हमें बताया कि 3 से 3.02 तक चेंज हो रहा है, हमने इसमें से ना डेल एक्स निकाल लिया, 3.02 में से 3 माइनस किया तो ये डेल एक्स आ गया। अब हमारे पास वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन फंक्शन दे रखा था, वहाँ से हमने एक्स की कीमत ये वाली पुट की तो एक्स 3 का स्क्वायर आ गया, एक्स क्योंकि 3 का इक्वल था तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 और ये आ गया आपके पास वाई इज इक्वल टू 8। अब हमें चाहिए डेल वाई, हमने डेल वाई निकालना है, तो डेल वाई निकालने के लिए ना हमें ये फंक्शन दे रखा था y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब हम ना डेल वाई निकालने के लिए, क्योंकि हमारे पास डेल वाई नहीं है, हम इस तरफ डेल वाई प्लस कर देंगे और इस फंक्शन के अंदर जहाँ पे x है डेल x प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस डेल x का स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ से देखें y की कीमत हमने निकाली ये 8 था, डेल वाई हमने फाइंड करना है, x की जगह पे 3 आ जाएगा और डेल x हमारे पास क्या है बेटा, ये जो हमने निकाला था अभी ये डेल x था, डेल एक्स था हमारे पास 0.02, ये इसका स्केयर और ये क्या है माइनस का 1, यहाँ से 3.02 का स्केयर और माइनस 1, ये आ जाएगा हमारे पास डेल वाई हमने निकालना है, तो 8 इधर प्लस और इधर जा क्या हो जाएगा माइनस, 3.02 का स्केयर माइनस 1 माइनस 8 या 3.02 का स्केयर माइनस 9, तो ये डेल वाई यहाँ से हम निकाल लेंगे। इसी तरह हमें उसने कहा कि आप ना डी वाई डिफरेंशियल भी निकाल के दिखाएं, तो डिफरेंशियल निकालने के लिए तो ये फंक्शन हमारे पास है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, हम इसका डिफरेंशियल लेंगे इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो ये डिफरेंशियल का फार्मूला क्या है, जैसे डेरिवेटिव निकालने थे ये 2x dx आ जाएगा और माइनस 1 का डेरिवेटिव जब हम लेंगे खत्म हो जाएगा, यहाँ से डी वाई हमारे पास आ जाएगा 2x, हमारे पास कितना था 3 था और dx, अब ये dx और डेल एक्स दोनों सेम है तो वो था हमारे पास 0.02, तो 0.02 2 3 6 0.02 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह हम ना डी वाई निकाल लेंगे। इस तरह हमें कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो जिसमें वो हमें हमसे पूछे कि डिफरेंशियल डी वाई और डेल वाई निकालो, तो हम इस तरह उसको फाइंड करेंगे। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है इसी एक्सरसाइज का, उसमें हमें था एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 4, यहाँ पे वो कहता था कि आप हमें डी वाई और डी एक्स और डी एक्स और डी वाई फाइंड करके दिखाएं, तो हमने क्या किया इसका डिफरेंशियल लें दो फंक्शन है मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम, पहला छोड़ के दूसरे का फिर प्लस दूसरा छोड़ के पहले का और ये डी एक्स और 4 का 0 आ जाएगा। यहाँ से आप देखें एक्स डी वाई दोनों में से ना डी एक्स कॉमन लें इज इक्वल टू 0, तो y प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स डी वाई, हमें डी वाई और डी एक्स चाहिए, डी एक्स इधर आके डिवाइड हो जाएगा और x इधर आके माइनस के साथ आ जाएगा। अगर हम इसको अब इनवर्स कर लें उलट कर लें तो ये बन जाएगा x ओवर y प्लस 1 माइनस का dx ओवर dy, इस तरह हमने इसको फाइंड करना है।